ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, विकास कुमार की रिपोर्ट। अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से एक की दर्दनाक मौत, मौके से वाहन चालक हुआ फरार। चौपन थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर राज्य मार्ग के सलखन स्थित प्लाजा पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित होकर मालवाहक वाहन पलट गई। हादसे में सड़क के किनारे टहल रहे एक व्यक्ति की वाहन की जद में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक पलटी हुई वाहन से बाहर निकला और मौका देख वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार टोल प्लाजा पंप का तेल टैंकर चलाने का कार्य मृतक करता था और मृतक का विजेंद्र 50 साल और मृतक विजेंद्र उम्र 50 साल निवासी चकिया जिला चंदौली का रहने वाला था। सुबह वो सड़क के किनारे टहल रहा था, तभी हाईवे से गुजर रही अनियंत्रित माल वाहक वाहन की चपेट में आ गया, जिस मौके पर ही विजेंद्र की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। जब तक लोग मौके पर पहुंचते तब तक मौका पाकर वाहन चालक फरार हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और राजमार्ग पर पलटी वाहन को किरान बुलाकर वाहन को राजमार्ग से हटाकर राजमार्ग से हटवाकर रोड को सुचारू रूप से चालू करवाया। विकास कुमार विरुचि सोनभद्र।